क्या आपको पता है कि आपके खाने में जिस हल्दी का इस्तेमाल हो रहा है वो असली है भी या नहीं? हल्दी की जगह कहीं आप रंग या नुकसान देने वाली कोई और चीज तो नहीं खा रहे? चलिए हम बताते हैं कि हल्दी की शुद्धता की जांच कैसे करें। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ टिप्स दिए हैं। शुद्धता की जांच के लिए आपको किसी लैब में नहीं जाना है और न ही इसके लिए पैसे खर्च करने हैं। इसकी जांच अपने घर पर की जा सकती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आपको करना बस इतना है कि एक कांच की गिलास लेनी है और उसमें थोड़ा पानी भर लेना है। अब हल्दी के पाउडर को पानी में डालें। अगर पाउडर हल्का पीला रंग छोड़ता है और गिलास की तली में बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि हल्दी शुद्ध है। अगर यह पानी के ऊपर ही तैरता रहता है और गाढ़ा पीला रंग छोड़ता है तो इसका मतलब है कि हल्दी में मिलावट की गई है। शुद्धता की जांच के बाद ये भी जान लेते हैं कि हल्दी के क्या क्या फायदे हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी होती है, साथ ही इसमें कैरक्यूमिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो एक तरह का एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड है। ये खास कंपाउंड शरीर में किसी भी तरह के संक्रमण या क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। हल्दी लीवर और किडनी के लिए भी फायदेमंद होती है। डाइजेशन के लिए भी यह काफी कारगर मानी जाती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना न भूलें।